अरे धन्यवाद, अरे गर्दा उड़ा दिए, क्या बात है। और कुछ बोले गए, बोलो। ये इतना प्यार देख के कैसा महसूस करते हो भाई? अपन ने कभी सोचा भी नहीं होगा जब आप बिहार से निकले। नहीं, भाग्यशाली है भाई, है ना, बहुत भाग्यशाली। भगवान का आशीर्वाद है कि 100 फिल्म सोचा नहीं था कि 10 तक पहुंच पाएंगे, 100 तक पहुंच गए। ये माया नगरी है, यहाँ पर मैंने सुना था कि यहाँ एक एक्टर की जिंदगी को हमेशा ये समझिए कि समंदर जैसे कि आपको हर बार फेंकता है, कोई चीज़ डालो समंदर में तो बाहर फेंकता है, लेकिन अगर उसी चीज़ को 10 बार डालते रहो, 20 बार डालो, 100 बार डालो, तो समंदर फिर जा करके उसको एक्सेप्ट करता है। क्या बात है, ये सही डेफिनेशन है मुंबई शहर के बारे में। जी, मुंबई शहर ऐसा ही है कि बहुत बार शुरू में फेंकता है, लेकिन आप डटे रहिए, उसमें गोता मारते रहिए, एक समय आएगा जब आपको ये अपने अंदर संभाल लेगा। और मेरे साथ में मैं सच में कहूँ, मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है, भाग्यशाली हूँ। मेहनत तो मैं नहीं, सभी लोग करते हैं जी, सभी लोग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सबका बहुत संघर्ष है, लेकिन अगर मुझे मिला है तो मैं इसके लिए ऊपर वाले को और ये जनता जो है, जो देख रही है, जो यहाँ है और जो प्यार देती है, उसके लिए मैं हमेशा बहुत ज़्यादा मैं धन्यवाद देते रहता हूँ, हमेशा कृतज्ञ रहते हैं। मुझे याद है कि हमेशा प्रोड्यूसर के बारे में, डायरेक्टर बारे में जब भी मनोजी से बात करो, हमेशा वो ये बहुत बड़ी बात है, डाउन टू अर्थ कह लीजिए चाहे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक कलाकार की जिंदगी में तभी आप सफल हो सकते हैं जब इन जैसे प्रोड्यूसर हों, डायरेक्टर हों, क्योंकि एक कलाकार को वही बनाते हैं। विपिन जी सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, इन्होंने मुझे एक बार कहा कि अगर डायरेक्टर भाई बोल देता है यहाँ तो यहाँ और नहीं तो नहीं, और ये सबसे बड़ी जिंदगी की वसूल है। इतने सारे प्रोड्यूसर्स आपके साथ में, वाकई है, अब क्या बताएं, भलाई तो नहीं है, सबसे बड़ी यही है, सबसे बड़ी है। डांटा कि नहीं डांटा, बताओ मनोज जी, बताओ किस बात पर डांटा? फिल्म के दौरान घर में डांटने बात अलग है, पर्दे के लिए रोते क्यों हो इतना? कहाँ दर्द हो रहा है, क्या है मतलब, रो मत, जाके काम करो। बाहर भी जो है आप सीख नहीं सकते हो, और घर में इतनी स्ट्रिक्ट और इतनी टफ महिला हो तो वहाँ से भी आपको सहानुभूति नहीं मिलती है। तो इसलिए हमेशा जो है शबाना का यही रहा है कि इफ़ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, डोंट फस ओवर इट, जस्ट गो अहेड एंड प्रूव योर सेल्फ। तो शबाना का है ये, शी हरसेल्फ इज अ वेरी टफ टफ वुमन, सो वो, और हमारी बेटी तो उससे भी ज्यादा है। विक्रम बाबू के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत सॉफ्ट दिखते हैं लेकिन है नहीं है। विक्रम, आई मस्ट टेल यू दैट कि यहाँ पे औरेगा है या भानुशाली जी हैं जिनके साथ मैंने बंदा की, इतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म, इतने बड़े प्रोड्यूसर, या ओसवाल, समीक्षा शैल जिनके साथ पिंजर किया था मैंने। आई मस्ट टेल यू दैट यू नीड्स वन पर्सन हु इज गेटिंग एवरी वन ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक आदमी जो सब चीज़ों पे नज़र रखे हुए, एक आदमी जो बिल्कुल, मैं चाहे जितना गुस्सा कर लूँ, विक्रम नेवर फेल्ट ऑफेंडेड। चाहे अप्पू जितनी ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाए, सुरेंद्र जी का कुछ हो रहा है, जोया का कुछ हो रहा है, या बाकी कलाकार का कुछ हो रहा है, कोई डिपार्टमेंट जो है कितने सारे क्योस में हो, लेकिन एक आदमी था जो पूरे सेट पे जो हमेशा शांत जैन मुनि की तरह से विक्रम था। पर विनोद के साथ आपने पहली फिल्म की जी, बंदा तो मतलब सुपर डुपर हिट रही, एक बार बंदा के लिए एक बार जोरदार ताली चाहिए। विनोदी खासबाग ये कि इतने साल का अनुभव है, इतना एक्सपीरियंस है फिल्म प्रोडक्शन का, म्यूजिक का, बिल्कुल, इस फिल्म में क्या ऐसा योगदान किया जो आपको लगता है कि ये हमको आगे भी पूरे साथ हमको ले जाना चाहिए, हमारी इंडस्ट्री को सीखना चाहिए? मस्ट टेल यू वन थिंग कि समीक्षा शैल इस फिल्म में थे, लेकिन मैं विनोद जी को दो कारणों से मैं चाहता था विनोद जी आए। वो एक कारण तो मेरा बहुत ही इमोशनल कारण था, वो ये कि हमने एक फिल्म की थी बंदा जी, बंदा के साथ में बहुत सुनहरी यादें हैं, और जिस तरह का सम्मान बंदा ने दिया वो सबके सामने है। दूसरा कारण मेरा प्रोफेशनल था कि हम सब में एक आदमी हमको चाहिए जो हमारा पिलर, जो मार्केट की जिसको बहुत ज़्यादा समझ हो और जो हमें सही ढंग से पेश करे, तो इनसे बेहतर इंसान मेरे लिए कोई नहीं था। तो इसलिए
इसलिए जरूरी था कि विनोद जी हमारे साथ हैं, क्योंकि आपको ही पता है फिल्म बनाना एक बात है, लेकिन फिल्म को बाजार में लेके जाना दूसरी बात है, और उसके लिए विनोद जी वो उनसे बेहतर तो कोई है नहीं। पर आपके जहन में कैसे आया भैया जी का जो कॉन्सेप्ट है, मेन बीच पॉइंट तो आप ही था जी, उसके बाद अपूर्व आया और उन्होंने कुछ चेंज किया और आपको एक्शन में ढाल दिया पूरी तरह से। तो क्या हुआ था, वो क्या बीच पॉइंट क्या था, आपके जहन में ये स्टोरी कैसे आई? ये मेरे साथ में ये एक दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU में एक लड़का पढ़ता था और सेकेंड ईयर था उसका, ये न्यूज़पेपर में छपी थी कहानी और ये न्यूज़ छपी थी और इतनी बड़ी बहुत छोटी सी न्यूज़ थी। वो लड़का, उस लड़के को खबर आई कि उसके पिताजी का मर्डर हो गया, तो वापस वो अपने गांव गया, बिहार का था, और जब वो निकलने लगा वहां से तो उसकी माँ ने कहा कि तू नपुंसक हो गया है, तू हमारा बेटा नहीं है, तू वापस कैसे जा सकता है। और उस बेटे ने ट्रेन ले ली, अपनी माँ की बात को अनसुना कर दिया, और बीच रास्ते एक दो स्टेशन निकलने के बाद उसने चेन खींचा और वहाँ पे उतरा, और उसके बाद वो लड़का कभी दिल्ली नहीं गया। उसके निकल करके उसने कम से कम 7-6 लोगों को मारा था उसने, उसके पहले उसने कभी भी कोई क्राइम नहीं किया था। तो ये मेरे दिमाग में था कि ये कहानी मैं एक मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा या इंडिपेंडेंट सिनेमा, इस पर इस तरह से मैं जहाँ पर रिवेंज पे मैं काम करूँगा, लेकिन ये साहब जो हैं मतलब इतना यंग आदमी, इसका मेन स्ट्रीम सिनेमा में इतना कन्विक्शन मैंने हाल फिलहाल में किसी में नहीं देखा। क्या बात, बहुत मेन स्ट्रीम सिनेमा वही बना सकता है जो पूरी तरीके से इसमें बिलीव करता हो, उस फॉर्म में बिलीव करता हो, सिर्फ इसलिए ना करे कि ये फिल्म चलती है या ये फिल्म मास पसंद करता है। अगर उसमें विश्वास है तो ये आदमी मैंने कई साल के बाद देखा है कि जैसे प्रकाश मेहरा जी थे, मनमोहन देसाई जी थे, ये लोग विश्वास करते थे उस फॉर्म में, और उस तरह का विश्वास, उस तरह की बिलीफ, पूरे बिलीफ सिस्टम। तो मेरे लिए दिक्कत है ये थी कि जब इसने कहा कि आपको करना, मैंने कहा भाई तुझे मैं दूसरा लाके देता हूँ, मैं तुझे संपर्क करा दूंगा, कॉन्टैक्ट करा दूंगा बड़े बड़े स्टार से, उनसे करा ले। तो इसने कहा नहीं सर, सबको देखा है मैंने स्लो मोशन में, मैं आपको स्लो मोशन में देखना चाहता हूँ। पर ये किसी डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात भी है, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, इतनी फिल्मों के रिव्यू किए हैं 25 सालों में इस इंडस्ट्री में, चाहे रेडियो हो कहीं पे भी हो, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ एक बात कि आप जैसे इंसान को जिसके पास सिक्स पैक भी नहीं है उसको बंदूक थमा दिया इस आदमी ने, मतलब कुछ तो है इसमें। नहीं, बड़ा जिगर तो भी बताओ भाई, क्या हुआ ऐसा, यही देंगे मैं क्या।